सो हेलो एवरीवन, हमने लाइक ऑब्जेक्ट्स में क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट्स में हमने कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को वो पढ़ रखा था, हमने कैसे उसे एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट्स को वो भी पढ़ रखा था, एंड फिर उसे एडिट करना ही बताया था ऑब्जेक्ट्स को। तो अब आगे की वीडियो में क्या करूँगा, एक एक होता है जो हमने ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर कैसे पढ़ाया है, जस्ट मिनट, मैं वहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे बताया हूँ वो मैं देख लेता हूँ। वहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़ा है इस तरीके से, वो स्मॉल ब्रैकेट वाले यूज़ किया हमने, स्मॉल ब्रैकेट टाइप से जो यूज़ करना होता था हमें, कंसोल पे जब भी हम यूज़ करते थे, तो मुझे स्टूडेंट यूज़ करना है तो स्टूडेंट यूज़ कर लिया, स्टूडेंट डॉट मार्क्स यूज़ करना है तो डॉट मार्क्स यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हमने डॉट करके पढ़ा है एक्सेस करने का तरीका। एक और एक्सेस करने का तरीका होता है स्क्वायर नोटेशन, ठीक है, वो मैंने नहीं डिस्कस किया था तो इसलिए मैंने सोचा कि लाइक एक और अलग से वीडियो बना दूँ स्क्वायर नोटेशन के लिए। आपको ये वीडियो देखना है, आप जाके देख सकते हो चैनल पे जाके, जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में जाके ऑब्जेक्ट सर्च कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमने ये पढ़ा है कि डॉट मार्क्स कैसे हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, डॉट मार्क्स करके, डॉट नेम करके, डॉट इस टाइप से। बट हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना भी आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन जो होता है ना कभी कभी यूजफुल होता है किसी किसी चीज़ में, बताता हूँ कैसे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं न्यूटन स्कूल्स के लॉन्च पैड बोल रहा हूँ, न्यूटन स्कूल्स के प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। न्यूटन स्कूल में आप जुड़ सकते हो, यहाँ पे आपको 0 अपफ्रंट फी देना है, आपको यहाँ पे इतने टॉप कंपनीज में वर्क कर सकते हो, प्लेसमेंट लग सकती है आपकी, जैसे उड़ान, गूगल, जोमेटो जैसे कंपनी में आप वर्क कर सकते हो। यहाँ पे लाइव क्लासेस है, इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स हैं, मॉक इंटरव्यू है एंड पर्सनल ट्रेनिंग है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भी जा सकते हो और newtonschool.co पे भी जा सकते हो और वहाँ पर जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। और सबसे बेस्ट बात क्या है कि इसमें आपको फ़ी एक भी पे नहीं करनी जब तक आप कहीं प्लेस ना हो जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में कि लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये रैपिडो में इसका इंटर्नशिप लगा है, ये प्लेस्ड हुआ है, अनअकैडमी में प्लेस्ड हुआ है, तो ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस है, एप्लीकेशन करना है, इंट्रेंस टेस्ट देना और इंटरव्यू देना है, बस आपका काम हो गया। तो चलिए अब हम अपने वीडियोज में बढ़ते हैं। ये मैंने वेरिएबल स्टूडेंट कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने देख लिया, हम लोग देख लिए हैं, रोल नंबर देख लिया, मार्क्स, हाँ ये सब देख लिया हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या डिस्कस करना है, एक और तरीका है, हमने ये पढ़ा था कि वैर ऑब्जेक्ट करके हम लोग क्रिएट करते हैं ना, इम्पटी अगर मुझे क्रिएट करना हो तो ये क्रिएट करते हैं। बट एक और तरीका है क्रिएट करने का, वैर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट को, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया से मैं ठीक कर लेता हूँ। ये भी एक तरीका है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक था जो मैं बता दिया हूँ। अब आगे चलते हैं हम अपने स्क्वायर नोटेशन पे, ठीक है। स्क्वायर नोटेशन पे क्या होता है, ये तो हम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स बता रहा था कि कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को। हम लोग अभी तक एक्सेस कर पा रहे थे स्टूडेंट डॉट मार्क्स, ठीक है। एक और चीज़ होता है जो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, वो चीज़ है स्टूडेंट, अगर मुझे ये करना हो मैं यहाँ पे कंट्रोल इंटर करूँ, जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख के एंड स्टूडेंट यहाँ पे ये करूँ तो ये हमें एरर दे रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट्स डॉट मार्क्स कर देता हूँ तो आंसर तो हमारा आ जाता है, बट जब हम स्टूडेंट और नोटेशन ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करना होता है तो हमें एक चीज़ यूज़ करना होता है उसके साथ, वो चीज़ है ये, जैसे देखिए मार्क्स ये मुझे इसने दे दिया, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, ये नहीं दे रहा तो मार्क्स, ठीक है, एंड ये हमारा एक्सेस पूरा हुआ, ठीक है, तो ये हो गया 89, ठीक है, तो स्टूडेंट मार्क्स हो गया 89। तो इस टाइप से हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स को, ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करके ऐसे हम लोग एक्सेस कर पा रहे थे डॉट डॉट मार्क्स करके, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट करके एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये एक तरीका है।
ये तरीके क्यों है? लाइक अगर मैं तो डॉट, मेरा काम हो ही रहा है डॉट से, तो मैं क्यों इसको यूज़ कर रहा हूँ इतना? और ब्रैकेट नोटेशन का बताता हूँ क्यों यूज़ करते हैं इसको। अगर मान लीजिए कि मैं वेरिएबल का नेम जो है, एक चीज़ मैंने बताया था कि नेम को आप लाइक मेरे पिछले वीडियोज को आप देखोगे तो नेम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये चल जाएगा अच्छे से, क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियोज में कि लाइक सारे जो होते हैं स्ट्रिंग्स होते हैं, तो स्ट्रिंग्स को ये जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं ना ऑब्जेक्ट के, वो सारे स्ट्रिंग में ही लिखे जाते हैं। तो ये नेम वी रोल नंबर 123 मार्क्स 89 आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसे नेम्स को, नेम को मैं कैप ये एक माइनस नेम कर दिया, ठीक है, क्या ये एक्सेस कर पाएगा? देखते हैं। स्टूडेंट डॉट डॉट नेम तो नहीं, अब नेम हमको चाहिए नेम, ठीक है, चलिए देखते हैं। एरर क्यों दिया है इसने? हम तो ऐसे नेम यूज़ करते थे, ये तो हमारा स्ट्रिंग है, माइनस नेम आ जाना चाहिए। इसी के लिए मुझे हमें यूज़ करना होता है ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है, ये इसी इसी चीज़ को यूज़ करने के लिए। अब जैसे देखिए, स्टूडेंट यूज़ कर लिया, स्टूडेंट को अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर माइनस नेम लिख दिया, ठीक है, ये एक्सेस कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, जस्ट मिनट, स्पेलिंग सही है। अच्छा, मुझे फिर से इसे फिर से वो करना पड़ेगा। एक अगर मैं ये करता हूँ, जस्ट मिनट जस्ट मिनट, मैंने कोड कोड में रीड किया है तो मुझे फिर से कंट्रोल एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस नेम किया है तो मुझे यहाँ पे एक बार हार्ड रीलोड कर लेते हैं एंड तब इसे हम लोग एंटर करते हैं। इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए और क्लियर कर सोल्व करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर कर दिया। अब स्टूडेंट नेम करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा। अभी क्यों आया? क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम अगर ये यूज़ करते, स्टूडेंट डॉट माइनस नेम यूज़ करते, तो ये हमारा एरर देता, ठीक है, ये हमारा एरर देता, ठीक है। इसी ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ के लिए हम लोग को स्क्वायर नोटेशन यूज़ करना पड़ जाता है, ठीक है। एक और चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ यूज़ कर लेता हूँ फाइव, ठीक है, एंड फाइव इज कुछ नहीं, फाइव ऐसे ही कुछ मैं लिख दिया हूँ ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, एंड इसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू देता हूँ इसको थ्री, फाइव है ना, फाइव फाइव ही देते हैं, क्या दिक्कत है, फाइव वैल्यू दे दिया, ठीक है, एंड कुछ नहीं, एंड हाँ हो गया, ये वैल्यू दे दिया मैंने फाइव। अब मुझे इसे एक्सेस करना है तो मैं इसे कैसे एक्सेस करूँगा? सबसे पहले कंट्रोल एंटर करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने इसमें कोड किया है, कोड में एडिट किया है। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट स्टूडेंट लिख लिया, डॉट डॉट फाइव कर लेता हूँ, ठीक है, डॉट फाइव, एरर दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट सिंपल ऐसे अगर फाइव भी लिख दूँ ना, फाइव भी लिख दूँ अगर ऐसे, तो ये भी आंसर मेरा दे देगा फाइव, ठीक है। अगर मैं ये भी कर देता हूँ, स्टूडेंट फाइव, तो ये भी हमें फाइव दे देगा। तो ये होता है वर्क स्क्वायर नोटेशन का, ये स्पेशली वर्क होता है स्क्वायर नोटेशन का जो हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग डॉट से भी अपने वैल्यू को एक्सेस कर पाते हैं और स्क्वायर नोटेशन से भी यूज़ कर पाते हैं। ज़्यादातर हम लोग को क्या करना है, ज़्यादा वैल्यू हम लोग को यूज़ करना है डॉट वाले, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको आप वर्क नहीं कर पाओगे, लाइक वहाँ पे एरर शो कर देगा या अनडिफाइंड नहीं, एरर शो कर देगा डॉट डॉट यूज़ करने पे, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है जो मुझे बताना था, लाइक अगर जानना चाहोगे तो लाइक डिलीट प्रॉपर्टी, डिलीट प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। डिलीट प्रॉपर्टी में क्या था, डिलीट प्रॉपर्टी अगर मुझे डिलीट करना है तो सिंपल हम क्या कर लगते कर क्या कर सकते हैं, सिंपल DELETE, DELETE,
डिलीट, और किसको करना है डिलीट, डिलीट करना है स्टूडेंट डॉट नेम को कर दूँ क्या? पहले सबसे पहले तो यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा एरर देता रहेगा। सबसे पहले इसे एडिट कर दिए, नेम ठीक है, ट्रू 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 मीन्स लाइक उसने डिलीट कर दिया है। अब मुझे एक्सेस करना है, तो मैंने एक्सेस किया इसे और एंटर किया। जैसे देखिए यहाँ पे 5 आ गया, रोल नंबर आ गया, मार्क्स आ गया, नेम नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसने डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में करूँ तो हो जाएगा डिलीट क्या? हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे इसे डिलीट करूँ, डिलीट स्टूडेंट, एंड अगर मुझे ये डिलीट करना है 5 नंबर, ठीक तो अब देखते हैं, हो गया डिलीट। ये हमारा रोल नंबर डिलीट हो गया, मार्क्स डिलीट हो गया, तो दोनों डिलीट हो गए हैं। तो इस तरह से हो गया, एंड ये हमारा डिलीट प्रॉपर्टी यूज़ हो गया। एक और एक चीज़ है जो लाइक अगर मुझे फंक्शन प्रिंट प्रॉपर्टी यूज़ करना हो तो फंक्शन प्रिंट प्रिंट प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना रहता है, फंक्शन फंक्शन प्रिंट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, एंड ये हमारा हो जाएगा, मुझे इसे प्रिंट करना है तो प्रिंट प्रिंट प्रॉपर्टी एंड स्टूडेंट, अगर मार्क्स करना है तो मार्क्स कर लेंगे, जो भी हमारा वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को हम लोग कर सकते हैं सिंपल इस टाइप से, तो वो हमारा प्रिंट कर देगा। सबसे पहले तो इसे एडिट करना पड़ेगा एंड इसे एंटर करना पड़ेगा, तो ये हमारा 89 वैल्यू दे दिया। मार्क्स करना है तो मार्क्स कर लेंगे, नेम करना है तो हम लोग नेम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप से हम लोग फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। तो हमने क्या क्या सीखा इसमें? हमने सीखा कि लाइक कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। दो तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, एक वैर ऑब्जेक्ट करके एम्प्टी ब्रैकेट, और एक यहाँ पे देखिए अभी दे दिया नेम। फिर हम लोग दूसरा है न्यू ऑब्जेक्ट करके भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड है कि हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं वैल्यू को। तो वैल्यू को एक्सेस करने का तरीका मैंने बताया, डॉट डॉट वैल्यू करके, जैसे की वैल्यू पेयर मैंने हमने बताया है। तो की वैल्यू पेयर में हमने क्या सीखा है कि की वैल्यू पेयर में जब भी हम लोग कोई वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो उसके प्रॉपर्टी के साथ उसका वैल्यू, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी डॉट वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें ये ब्रैकेट बिग ब्रैकेट नोटेशन यूज करना हो तो हम सिंपल प्रॉपर्टी ब्रैकेट और स्ट्री लाइक डबल कोट्स के अंदर उस वैल्यू को लिख देंगे, तो हमारा वो एक्सेस हो जाएगा। फिर हम लोग डिलीट के बारे में पढ़े, डिलीट कैसे करना है, तो सिंपल डिलीट में हम ब्रैकेट नोटेशन और डॉट नोटेशन दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिलीट प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम लोग, और फिर ये एक फंक्शन भी हम लोग बना के एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फंक्शन प्रिंट प्रॉपर्टी कर लिया एंड ऑब्जेक्ट लिख लिया, एंड ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर्टी दे दिया कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे प्रॉपर्टी को हमने ब्रैकेट में लिख रखा है एंड प्रिंट प्रॉपर्टी कर दिया, तो स्टूडेंट डॉट नेम आ गया, नेम लाना है, रोल नंबर लाना है, जो भी लाना होगा हम ले आएंगे, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।